बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि मैं 110 से 115 नंबर पे अटका हूँ। बहुत सारे बच्चे, कम से कम मैं अगर अभी यहाँ पे कमेंट कराऊंगा तो 40-50 बच्चे इसी बात पे बात करने लगेंगे कि सर 110 से 115 नंबर पे स्टक हो क्यों। एक बात बताओ, तुम पेपर दे के आ रहे हो, 200 में तुम्हारे बार बार 110 नंबर, मैं ये कैसे जान सकता हूँ? मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं बता दूं कि भाई तुम्हारे ये जड़ी बूटी लो और तुम्हारे 200 में 200 नंबर आ जाए। ऐसा मेरे पास कोई तरीका नहीं है जड़ी बूटी देने का। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि भाई तुम इस पेपर को खोलो और देखो कि ये 90 नंबर तुम्हारे कैसे गलत हुए, ये भी देखो कि 110 कैसे सही हुए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम तुक्का मार के कोई सवाल सही कर बैठे हो और तुमने मान लिया कि 110 का तो तुम्हें आता ही आता है। तो तुम्हें बार बार हर मौके ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि 90 नंबर तुम्हारे क्यों कट रहे हैं। तो तुम्हें वहां पे पता चलेगा यार तुम्हें तो पॉलिटी के आसान आसान सवाल गलत हो जाते हैं, जबकि पॉलिटी तुमने पूरी पढ़ रखी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर तुमने पॉलिटी पूरी पढ़ रखी है और फिर भी तुम्हारे सवाल गलत हो रहे हैं, तुमसे सवाल सही नहीं हो पा रहे, मतलब कि तुम्हें पॉलिटी में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पॉलिटी में क्या है? प्रैक्टिस करने की। बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। मान लेते हैं कि तुमसे इकोनॉमी के जीडीपी जीएनपी के सवाल गलत हो जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें वो टॉपिक नहीं आता। तो ये चीज तुम्हें खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी कि तुम्हें क्या नहीं आता, कि तुम्हें सर्किल की सारी प्रॉपर्टी आती है। मान लेते हैं कि सर्किल की तुम्हें सारी प्रॉपर्टी आती है बट तुम्हें अप्लाई करना नहीं आता, तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कौन पता लगा के बताएगा, ये कौन तुम्हारी हेल्प करके बताएगा कि तुम्हारे नंबर क्यों कट रहे हैं? ये मैं नहीं बता सकता, मैं कैसे बता सकता हूँ, आप मुझे बताइए। और ये सब बच्चों का एक ही डाउट है कि 110-115 से ऊपर नहीं बढ़ रहे नंबर। तो भाई नंबर पता आपको लगाना पड़ेगा पहले, और पता लगाने के बाद अभी 3.5 महीने बचे हैं, उस पर तैयारी करनी पड़ेगी।